अभी तो थैंक यू। चलिए अब हम आते हैं बगला मुखी माता। अब बगला मुखी माता को आपको देखकर क्या लग रहा है? अभी तो स्टार्ट हुआ है तो जस्ट एक वार्म अप जैसा है आप लोगों के लिए, ताकि आप इनको समझ सके कि बेसिक्स क्या है। बगला मुखी माता को देखकर आपको क्या लग रहा है? एक को मारा है और दूसरे को मारने जा रहे हैं, हाथ में उनके कुछ है, क्या है वो क्लियर नहीं है, मगर उसे मारने के एक्शन चल चल रही है। देखिए बगला मुखी माता जो, हाँ जी, नथिंग इज परमानेंट, नथिंग इज परमानेंट, दैट्स ट्रू। एक तो ये यहाँ पर उसका जो इल्यूजन्स थे यहाँ पर वो क्या कर रही है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। इसमें जो डिवोटीज जो होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनमें कभी कभी अपने ऊपर गुमान हो जाता है। गुमान का मतलब है कि खुद ही को ऐसा लगता है कि वो बहुत मतलब बहुत क्लोज है भगवान के, उनको मिसकंसेप्शन हो जाते हैं, इल्यूजन्स हो जाती हैं, है ना। तो उसके कहना चाहिए कि उस नशे में आकर वो गलत काम करने लगते हैं। तो माता रानी यहाँ ईगो नहीं है, ध्यान रखिए, यहाँ पर इल्यूजन्स है, दोनों डिफरेंट चीजें होती है। एक ईगो होता है कि वहां मैं, सिर्फ मैं हूं, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। यहाँ पर वो इल्यूजन में आकर गलत काम कर रहे हैं और अपने आप को भगवान समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये सिद्धियां जो होती हैं, जब लोग ले लेते हैं, जो प्राप्त कर लेते हैं और वो इल्यूजन्स में आ जाते हैं, तब उनका ये सहार करते हैं कि नहीं, आपसे ऊपर भी कोई है, उसकी इज्जत करो, उन पावर्स को रिस्पेक्ट करो। तो ये माता रानी आपकी जो इल्यूजन्स में आप जीते हो कि भाई अगर मुझे, मैंने कोई एक हीलिंग मोडेलिटी सपोज सीखी तो मुझे लग रहा है, मैं अपनी, चलिए मैं आप लोगों को अपना एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। मैं काफी हीलिंग मोडेलिटीज करती हूँ, मैं हीलिंग्स भी करती हूँ। अब अगर मुझे ये आ जाए कि भाई मैं किसी के ऊपर भी हाथ रख दूं या वो कर, मतलब यू नो हील कर दूं उसको, तो वो 100% ठीक हो जाएगा क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं। तो ये एक इल्यूजन है, क्योंकि वो जो शक्तियां हैं वो मेरी नहीं है, वो एक्वायर्ड शक्तियां हैं, वो ली हुई शक्तियां हैं, वो यूनिवर्स की हैं। एक्चुअल में तो वो यूनिवर्स, यूनिवर्सल एनर्जीज हैं, यूनिवर्स की एक शक्तियां हैं, ये ब्राह्मणीय ऊर्जाएं हैं, है ना। हमारा तो कुछ नहीं है, हम लोग सिर्फ एक माध्यम है। लेकिन जब हम इस इल्यूजन में आ जाते हैं कि जो करने वाले हैं वो हम ही हैं, हम ये करेंगे तो ही होगा, ये ईगो नहीं है, ये इल्यूजन है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, तब वहां पर बगला मुखी माता हमें सही रास्ता दिखाती है, हमको अपना मार्ग बताती है कि भाई तुम चुने गए हो हीलिंग्स करने के लिए, तुम चुने गए हो, तुम ये कार्य करने के लिए चुने गए हो, तो इल्यूजन में मत रहो। तो वहां इनकी जो स्टोरी है हम इसमें अभी नहीं जाएंगे, बट ये जो माता है ये आपको ब्लैक मैजिक कर्स अगर किसी ने आपके ऊपर किया है उससे आपको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। आई होप सो ये क्लियर है दोनों माओं के बारे में। यस मैम, यस मैम, ग्रेट। तो अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें।